बन्नू की कुकिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं मसूर दाल और जीरा राइस बना रही हूँ। आज हम सिंपल तरीके से ही दाल बनाएंगे। इसके लिए हमें दाल के लिए 2 चम्मच लेने पड़ेंगे, 2 चम्मच तेल डालने पड़ेंगे। मैं हमेशा दाल में दाल के लिए तेल ज़्यादा ही लेती हूँ, मुझे कम तेल की दाल पसंद नहीं है। इसलिए अब हम इसमें पहले जीरा डालेंगे 1 चम्मच जीरा डालेंगे। थोड़ा गैस का फ्लेम हम कम ही रखेंगे क्योंकि हमें अब हम लहसुन डाले हैं। जीरा और लहसुन की दाल बना रहे हैं और हम इसमें हरी मिर्च कटी डालेंगे। दाल बना रहे हैं जिससे हमारा मसाला जल्दी तैयार हो। उसके बाद हम टमाटर डालेंगे। टमाटर फ्राई करेंगे। 2 तरीके से दाल बना सकते हैं हम। पहले या तो हम उबाल के उसको तड़का लगा सकते हैं, उबाल के उसमें जैसे बनाते हैं उबालते हैं और उसमें लहसुन वो उसमें सॉरी उसमें हल्दी नमक मिर्च डाल के कई लोग पहले ऐसे उबाल लेते हैं और उसके बाद तड़का देते हैं। मैं हमेशा दाल ऐसे ही बनाती हूँ। मुझे इस तरीके से दाल बनाना पसंद है। मुझे उबाल के दाल बनाना पसंद है तभी मुझे उसमें स्वाद नहीं आता। पहले हम इसमें 2 चम्मच नमक डालेंगे जिससे कि ये जल्दी से टमाटर मैश हो जाएंगे। नमक डालने से जल्दी मसाला तैयार हो जाएगा, मैश हो जाएगा। अब हम इसमें लाल मिर्च, मैं हमेशा दाल में लाल मिर्च ज़्यादा डालती हूँ। मैं इसमें मुझे तीखी दाल पसंद नहीं है। इसमें मैंने 3 चम्मच लाल मिर्च डाली है और 1 चम्मच हल्दी डाली है मैंने। डेढ़ चम्मच जीरा पाउडर और हल्का सा 1/4 गरम मसाला बस। और हमारा मसाला तैयार है। जल्दी से मैश हो रहे हैं। तो हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसमें हमने दाल थोड़ी 10-15 मिनट के लिए गला के रखी थी, भिगो के रखी थी। अब हम इसमें दाल डाल देंगे। उसके बाद हम इसे 5 मिनट तक मसाले को भूनेंगे, मसाला भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और फिर हमारी दाल हम पकने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें हमारा दाल 5 मिनट हमने मसाले के साथ भूनी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। सॉरी गाइस, मैंने जीरा पाउडर बोल दिया था जिसमें मैंने धनिया पाउडर डाला था। अब हमारी दाल में हमने पानी डाल दिया। अब हमारी दाल हमने पकने के लिए रख दी है। अब हम ढक्कन लगा देंगे इसमें। अब हमारी दाल देखो बनकर तैयार है। देखो दाल के अंदर इतना बढ़िया कलर आया है। अब हमें इसमें तड़का लगाने की भी जरूरत नहीं है। इस तरीके से दाल बनी है। अगर आप पतली दाल खाते हो तो आप पतली इसको पानी डाल सकते हो, और अगर आपको गाढ़ी दाल पसंद है तो आप इस तरीके से दाल को गाढ़ा रख सकते हो। हमारी दाल बनकर बिल्कुल तैयार है।
अब हम जीरा राइस की तैयारी कर लेते हैं। चावल के लिए तैयारी करेंगे, इसमें हम 1.5 चम्मच तेल डालेंगे। डेढ़ चम्मच तेल डाला है इसमें हमने। अब हम इसमें 1-2 खड़े मसाले डालते हैं, थोड़ा इसमें थोड़ा तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जीरा डालेंगे। इतने हम अपने चावल भिगो के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। चावल वॉश कर देते हैं। अब हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 बड़ी छोटी काली इलायची डालेंगे और 2 लौंग डालेंगे। आठ दस इसमें हम काली मिर्च डालेंगे। जीरा तैयार है। अब ज़्यादा उसको जीरे को हम करेंगे तो फिर चावल में कड़वापन आ जाएगा, इसलिए हम चावल डाल के भूलेंगे, क्योंकि फिर हम पानी डाल देंगे। इसमें हम 1.5 चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसमें मिला के पानी डालेंगे। इसमें हम 2 सीटी कुकर में, 2 कुकर के अंदर 2 सीटी लगाएंगे चावल। अब इसका हम 1 सीटी लग चुकी है, प्रेशर के अंदर छोड़ देंगे जिससे कि थोड़ा भाप में चावल सही तरीके से पक जाएंगे। जब खुद कुकर की प्रेशर निकलेगा तब तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। चावल बन के तैयार हो चुके हैं। हमारे चावल बन चुके हैं, भी बनकर तैयार है। देखिए अब हम इसमें थोड़ा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे जिससे कि इसमें थोड़ा और स्वाद आ जाए। दाल चावल बनके तैयार है और मैंने इसे सर्व कर दिया है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।